अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और एक नई सुबह का आगाज़। अभी हसाइबा नाश्ता कर रही हैं, इनको हो रहा है थोड़ा सा फीवर, पता नहीं गरम गरम हो रही है बेचारी, मेरी बच्ची हो रही है थोड़ी सी गरम गरम। अच्छा नहीं, उसने रात भर जो है रात भर बस ये रोती रही हैं। और थोड़ी देर उठने के बाद उन्होंने अपने बाबा के साथ नाश्ता कर लिया। क्या हुआ, बकाल हो रहा है। मैं भी पैनाडोल भी ला दूँगी आपको, अपना नाश्ता करो पहले, बस उनको पता चल जाए कि ये बीमार है। बन खाओगी? अच्छा, बन खिलाती हूँ। ये तैयार हो चुकी हैं और अभी मुझे कमरा समेटना है, उसके बाद मुझे बनानी है बच्चों के लिए खिचड़ी। और ये मैंने रात में जो है ना टमाटर का पेस्ट बना लिया था, और उसको जो है ना मैंने ये जो आपको प्लास्टिक के नज़र आ रहे होंगे, और ये थे बच्चों के लिए कपकेक लेकर आए थे हम, तो उसकी डिश थी। और उसको जो है ना बीच में से हमने जो है ना मतलब दो किया, दो करने के बाद उसमें पेस्ट डाला टमाटर का, और फिर मैंने फ्रीज़र कर दिया था। अब मैं इसको काट के इस तरीके से ना इसके बनाऊँगी क्यूब्स। अभी मैं बना रही हूँ खिचड़ी बच्चों के लिए, और सालन तो है मेरा, रात में मुझे खाना नहीं बनाना, तो बस अभी खिचड़ी बनानी है। उसके बाद जो है ना तैयारी करूँगी मैं मरियम को मदरसे भेजने की, और 3 बजे आज उसका मदरसा लगेगा, तो इसलिए मेरी कोशिश यही होती है उठने के बाद फौरन के मैं बच्चों को फ्रेश करने के बाद खाना तैयार कर लूँ। खाना खा रहे हैं, दोपहर का सलाद बना ली थी, ये अचार जो आपको नज़र आ रहा है छोटी डिश में प्लास्टिक की, मेरी जिठानी ने बना कर भेजा था, रायता बनाया था मैंने, और एक जिठानी ने मेरी जो है ना लौकी का रायता बनाया था वो ले लिया था थोड़ा सा, और बच्चों के लिए मैंने और दिन में जो है ना थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा में लींबू डाल के शरबत बना लिया था। मैंने कहा बच्ची मदरसे से आएगी मेरी। देखिए माय यूट्यूब फैमिली, ये शूज़ हैं मेरे वलीमे के, और इतनी हील जो है ना अब पहनी बिल्कुल भी नहीं जाती मुझसे, तो मरियम के कहना है कि मम्मा ये मेरे लिए रख दें, मैं बड़ी होंगी ना तो फिर मैं ये पहनूंगी, दुल्हन बनूंगी, दुल्हन बनेंगी तो बड़ी होते मम्मा बड़ी होते बनूंगी, बड़ी होके दुल्हन बनेंगी ये जी मेरे बेटा। आप भी अच्छी इंसान बनेंगी आप, कभी कोई काम करने नहीं देते। हाँ आप भी पहनना मेरा बच्चा, आप भी पहनना बच्चा। और बस ये मैंने निकाले थे साफ़ करने के लिए, और मेरी बारात के जो शूज़ है ना उससे तो आधी जो है ना वो दीमक लग चुकी है। अब ये मैंने ये देखे निकाले बिल्कुल सही कंडीशन में, सिर्फ मैंने इसको बनाओ, सिर्फ मैंने जो है इसे सिर्फ अपने वलीमे पे पहने हैं, वलीमे पे पहने हैं, उसके बाद ये शूज़ ऐसी के ऐसी रखे हुए। बेटा आपका पैर आ जाएगा, नहीं करो। बारात पहनी थी, बस पहली दफ़ा ही पहनी है और रख दी गई थी, और मेरी अलमारी में जो है ना फिर कुछ अरसे के बाद दीमक लगना शुरू हो गई थी, तो ये देखें ज़रा इसका हशर क्या हुआ है कि इसको यहाँ दीमक ने खा लिया। अब पता नहीं ये दीमक ऐसे तो ये हट जाएगी दीमक, शुक्र है कि इसने इसको पूरा नहीं खाया इस तरीके से। और ये चप्पल मेरी बिल्कुल सही है, इसको थोड़ी सी दीमक लग गई थी। अब टिशू लेकर आओ, एक टिशू लेकर आओ। और इतनी महंगी महंगी ये चप्पलें होती हैं, यकीन करें बस अगर जैसे करीबी शादियां होती हैं उनमें शरारे वगैरह पहनने में आ जाते हैं तो उसके साथ जो है ना ये सैंडल्स पहन ली जाती हैं, वरना तो ये सच पूछें तो वो ऐसी की ऐसी रखी रह जाती है। फिर जब बच्चे हो जाते हैं ना, और जैसे कि आप ऑपरेट होता है, ऑपरेट में तो बहुत मुश्किल हो जाती है फिर हील्स को कैरी करना,
और मेरी मरियम जब मतलब 1 महीने की हुई थी तो हमारे ससुराल में शादी थी, तो मैंने जो है ना हील्स पहनी थी, मतलब 1 महीना हुआ था मुझे ऑपरेट हुए हुए, तो मैंने हील्स पहनी थी और माशाल्लाह से मेरे शूज़ तो बिल्कुल सही है, सैंडल्स ये भी शूज़ बहुत सही हैं, तो मैंने 1 महीने में जो है ना फिर मैंने सैंडल्स पहनी थी और ये देखें शौक इनके शौक, हील पहनने के बहुत शौक हैं, है ना? हील पहनोगी आप? आपने हील पहन ली है? हाँ साफ कर रही थी ना मैं, ये देख रही थी दीमक दीमक जो है ना ये साफ हो जाएगी तो अच्छी बात है। थोड़ा टिशु थोड़ा सा गीला करके देखती हूँ लगाकर, अगर ये इससे दीमक साफ हो जाती है तो बहुत अच्छा हो जाएगा ये। हाँ दीमक ने शुक्र है किसको खाया नहीं है अभी, बर वक्त जो है ना मैंने सैंडल निकाल ली अपनी तो ये पता चल गया मुझे कि ये बचत हो गई, वरना मैं समझती थी शायद चप्पल ने को खा चुकी है दीमक। शादी में ये पहनूंगी, बारात में ये पहनूंगी। देखिए इनको ये भी पता है, लड़कियों को एक शायद इनका सिक्स सेंस जो होता है ना माशाल्लाह से बच्चियों का, वो थोड़ा ज्यादा ही शार्प होता है, इनको पता है ये रेड है तो ये बारात में ही पहनेंगी ये। ये देखिए हमारी यूट्यूब फैमिली, मेरी बच्ची आज बहुत बनकर टी शर्ट पहन रही है, इसको अपनी नानी के घर जाके कदर, और मेरी बच्ची आज जो है ना भूत बन के ट्यूशन पढ़ रही है, इसको उसकी नानी के घर पे मरियम को मुझे अबीहा को हम सबको इस तरह जो है ना गर्मी दाने हुए हैं कि वो पसीने में जो है ना काटते हैं, और फिर तो बेचारे को तो मैंने अभी पाउडर में ना बिल्कुल भूत बना दिया है, और रोना नहीं पाउडर सारा बह जाएगा आपका। अली बे पे तेरे लिखो जल्दी से शाबाश उर्दू का काम करो, आगे लिखो आप रेजर कहाँ छोड़ा है, ये रहा जो चीज़ नहीं मिलेगी मरियम का एक ही काम है कि बस रोना है।